हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वो पढ़ लिए थे, क्या होता है कैपेसिटर यानी संधारित्वों का संयोजन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिए थे, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समानता क्रम संयोजन क्या होता है। आज की विशेष टॉपिक है, ये आपके पेपर के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि संधारित्व में ऊर्जा कैसे संचित होती है या संधारित्व में जो संचित ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है। तो चलिए, आप लोगों को टाइम का नुकसान न करते हुए, आप लोग के टाइम को न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्या हेडिंग है, क्या टॉपिक है? संधारित्व में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा कि एक हम लोग क्या लेते हैं, कोई एक पात्र ले लेते हैं। आपको बताया गया होगा कि संधारित्व एक क्या होता है, निकाय होता है। हम लोगों ने क्या ले लिए, एक पात्र ले लिए। क्या ले लिए प्यारे बच्चों, एक पात्र ले लेते हैं जो कि पूर्ण रूप से क्या रहता है, खाली रहता है। क्या रहता है, पूर्ण रूप से क्या रहता है, ये खाली रहता है। अब हम क्या करते हैं कि जब किसी भी स्रोत से या किसी भी बैटरी के द्वारा इसको जब हम लोग क्या देते हैं, आवेश देते हैं। क्या देते हैं, आवेश देते हैं। तो हमने क्या किया कि जब इसको एक आवेश दिए होंगे तो ये जो संधारित है वो आसानी से इस क्यू आवेश को क्या कर लिया होगा, अपने अंदर रख लिया होगा इस क्यू आवेश को। तब तो हमको कुछ कार्य नहीं करना पड़ा होगा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझिएगा, हमने क्या लिया, हमने कोई एक ऐसा संधारित लिया जिसको जो कि पूर्ण रूप से क्या था, खाली था। अब उसको हम लोगों ने उसको आवेशित करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया, आवेशित करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया प्यारे बच्चों, आवेशित, यानी उसको धीरे 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 एक आवेश, दो आवेश, तीन आवेश देना स्टार्ट किए। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात पता है कि जिस प्रकार किसी भी चालक को हम लोग एक साथ आवेशित नहीं कर सकते, एक साथ आवेश नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार किसी भी संधारित्व को एक साथ आवेश नहीं दिया जा सकता है। फिर से बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिस प्रकार किसी भी चालक को हम लोग एक साथ आवेशित नहीं कर सकते, छोटे 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 मात्रों में आवेश देते रहते हैं, उसी प्रकार किसी भी संधारित्व को सीधे हम लोग आवेशित नहीं कर सकते। तो इसीलिए संधारित्व को भी हम लोग छोटे छोटे आवेश देते हैं। यानी एक बार मान लेते हैं, इमेजिन करो प्यारे बच्चों कि एक बार अगर हमने इसको क्यू आवेश दिया, एक क्यू आवेश यहाँ आ गए। अब ये क्यू आवेश दूसरा क्यू आवेश इसको देना चाहते हैं, ये क्या है, दूसरा क्यू आवेश देना चाहते हैं। तब सोचिए कि ये भी आसानी से ले ले दूसरे क्यू को भी, तीसरे क्यू को भी, चौथे क्यू, पांचवें क्यू, छठवें क्यू। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब संधारित्व का कुछ भाग भर जाता है, यानी संधारित्व में कुछ आवेश आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग अब कोई आवेश देना स्टार्ट करेंगे तो ये आवेश आसानी से संधारित्व में नहीं प्रवेश करेंगे। क्या बताया बच्चों कि अगर अब हम लोग इस आवेश को देना चाहें इस संधारित्व को, तो इस संधारित्व में ये आवेश आसानी से नहीं जाएगा। तो इस आवेश को संधारित्व के अंदर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य करते हैं वो कार्य संधारित्व में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझिएगा, जैसे आपने क्या ले लिया, कोई एक पात्र ले लिए। अब इस पात्र में ये पात्र का नाम आपने संधारित्र रख दिया। आपने जब पहला क्यू आवेश दिया होगा तो ये आसानी से अपने अंदर क्यू आवेश को ग्रहण कर लिया, तब आपने कोई कार्य नहीं किया। पर जैसे ही दूसरा क्यू आवेश देने का आपने प्रयास किया तो दूसरा क्यू आवेश आसानी से इसके अंदर ग्रहण नहीं होगा, आसानी से ये संधारित ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों समान आवेश रहेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस आवेश को संधारित के अंदर संचित कराने में हमारे द्वारा या बैटरी के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, और वो किया गया कार्य संधारित में स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई। डियर स्टूडेंट, एक बार अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो हम बोल दे रहे हैं, जब किसी संधारित्व को किसी चालक के भांति, एक बार फिर से इसको सुनिएगा, किसी चालक के भांति किसी संधारित्व को हम लोग एक साथ आवेशित नहीं कर सकते हैं, तो किसी चालक को
क्यों आवेश देने में जो कार्य करते हैं, जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, मानते हैं, माना किसी क्षण संधारित पर जो आवेश है, या किसी क्षण संधारित को क्यों आवेश देने पर जो विभव होता है वो कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। माना किसी क्षण संधारित को क्यों आवेश देने पर विभव V डैश हो जाता है तब संधारित पर आवेश Q = C × V। तो V के स्थान पे क्या है, V' है। तो समीकरण नंबर आप क्या बना लिए, 1 बना लिए। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या कहते हैं कि अब हमने इसको 1 क्यू आवेश दे दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हम कोई दूसरा आवेश देना स्टार्ट करेंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे संधारित को DQ आवेश देने में, क्या लिखेंगे, संधारित को DQ आवेश देने में किया गया कार्य। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि किया गया कार्य जो होगा वो छोटा सा कार्य होगा। तो DQ आवेश दे रहे हो तो छोटा सा कार्य हो जाएगा। DW क्या हो जाएगा, DW = आपने क्या पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़े थे V = W/Q से। तो यहाँ W = क्या हो जाएगा, W = V × Q हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, DW = क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना है, V है। कितना है प्यारे बच्चों, V के स्थान पे यहाँ V है, इंटू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू ना हो के आप लोग क्या लगा लेंगे, DQ लगा लेंगे, क्योंकि DQ आवेश दिए हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से V का मान रख देते हैं। तो समीकरण एक से V' = क्या हो जाएगा, Q/C क्या हो जाएगा, C। तो हम यहाँ मान रख देते हैं, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, DW = V' के स्थान पे Q/C गुणे क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा कार्य हुआ प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, हम मानते हैं कि माना संधारित पर जब आवेश की मात्रा क्या था, जीरो था। अब संधारित को जीरो से क्यू आवेश देने में, यानी एक पूरा फुल रूप से चार्ज करने में, फुल रूप से आवेशित करने में किया गया कार्य। तो लिखेंगे संधारित को जीरो से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। चलिए, तो किया गया कार्य मान लिए W = हो जाएगा ∫DW, छोटे से कार्य का समाकलन। कहाँ से आवेश दे रहे हो, जीरो से क्यू आवेश दे रहे हो। तो प्यारे बच्चों, DW का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो से क्यू हो जाएंगे। DW = क्या है, Q/C इंटू कितना हो जाएगा, DQ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जिन पक्ष का समाकलन नहीं होगा उनको हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से 1/C बाहर हो जाएगा। W = 1/C, 0 से Q, यहाँ क्या बच गए, Q × DQ, क्या हो गए, Q × DQ। अब क्या करते हैं, इस पक्ष का समाकलन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आप लोग X × dx का समाकलन किए होंगे, तो क्या होता है, यहाँ power 1 रहता है, तो हम फार्मूला लगाते हैं X^n का। तो X^n का इंटीग्रेशन होता है X^n + 1
बटे एन प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पावर एक है, तो अगर हमको q के पावर एक का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ x के स्थान पे q हो जाएगा, n के स्थान पे एक प्लस एक हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर q का हम लोग इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो w बराबर एक बटे c आ जाएगा, जीरो से q, सॉरी अब तो समाकलन कर रहे हो ना, तो क्या होगा q का समाकलन हो जाएगा q स्क्वायर बटे दो, और लिमिट लगा दिए क्या प्यारे बच्चों, लिमिट लगा दिए जीरो से कैपिटल Q। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, एक बार क्या रख देंगे, अपर लिमिट रख देंगे, तो एक बार अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ Q के स्थान पे क्या हो जाएगा, कैपिटल Q स्क्वायर बटे दो आ जाएगा, एक बार माइनस लगा देंगे जीरो बटे दो, तो जीरो बटे दो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो W बराबर एक बटे सी क्यू स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा दो। ये भी क्या होती है, यही किया गया कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा के क्या होती है, बराबर होती है। यही जो आप कार्य करते हो यही संधारित्र में क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि Q बराबर जो होता है वो C इंटू क्या होता है, V होता है। तब क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर दो से, समीकरण दो से क्या हो जाएगा, समीकरण दो से W बराबर एक बटे सी, क्यू के स्थान पे क्या रखोगे, सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बटे क्या है दो है। तो प्यारे बच्चों एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर U, यही स्थितिज ऊर्जा होगा, U बराबर एक बटे दो सी वी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका डेरिवेशन हो गया। तो प्यारे बच्चों ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर को सिद्ध कीजिए, तो आप यहाँ तक डेरिवेशन को लाके छोड़ देंगे जहाँ सी धारिता है, V क्या है, विभव है। तो प्यारे बच्चों ये आज की जो टॉपिक थी वो आपकी समाप्त हो गई, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा थी वो आज हम लोगों ने इसको समाप्त कर लिए। तो आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा, तब तक हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल के अभ्यास कर लेते हैं जो कि इस पेपर के इस चैप्टर में दिए गए हैं और जो कि बोर्ड पेपर में पूछ। तो चलिए आप लोगों ने संधारित्र, अब इससे पिछले वाले क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे, उसी के आधार पे न्यूमेरिकल कुछ दिए गए हैं, तो उस न्यूमेरिकल का हम लोग अभ्यास करते हैं। प्यारे बच्चों सवाल में आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है, वो 2009 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक सर्किट बनाई गई है, क्या सर्किट बनाई गई है, कोई ए है, फिर उसके बाद क्या है, इस प्रकार है, ठीक, ये कोई संधारित्र यहाँ जुड़ा है, दो माइक्रो फैरड है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, आगे इसी क्रम में एक और जुड़ा है, दो माइक्रो फैरड, ठीक, इसके बाद इसको इस प्रकार ला दिए हैं, आगे इस परिपथ में इस नीचे वाले सिरे में भी एक जोड़ दिए हैं, तीन माइक्रो फैरड, फिर इस परिपथ को क्या कर दिए, पूर्ण कर दिए, और ये कोई सिरा निकाल दिए, ये ए हो गए, ये क्या हो गए, बी हो गए। आपके प्रश्न में पूछा क्या है डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है ए और बी के बीच धारिता क्या होगी, और ये यूपी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, ये मान लेते हैं C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3 है, तो आप ध्यान से देखिए जो C1 और C2 है वो किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है प्यारे बच्चों, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे चूँकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़ा है, किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता, तो आपने कल ही पढ़ा था तुल्य धारिता एक बटे सी बराबर एक बटे C1 प्लस एक बटे C2, तो एक बटे सी, तो C1 कितना है, एक बटे दो है, और यहाँ भी एक बटे दो, हर बराबर है,
अंश जुड़ जाएंगे तो 2/2 कैंसिल हो गए 1, यानी C बराबर क्या आ गया 1 माइक्रोफेरेड आ गए। अब आप जो ये C है और जो C3 है वो किस क्रम में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो चूंकि C व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता C' मान लीजिएगा, C' बराबर C + C3। C कितना है 1 माइक्रोफेरेड और C3 कितना है 3 माइक्रोफेरेड। ये 3 और 1 को जोड़ दिए कितना आ गया 4 माइक्रोफेरेड, ये आ गए तुल्य धारिता प्यारे बच्चों। तो ये 2009 के पूछे गए प्रश्न के सॉल्व थे। इसी क्रम में एक सवाल और पूछा गया है डियर स्टूडेंट, वो भी 2009 के प्रश्न है, तो चलिए उनको भी सॉल्व करते हैं। क्या है, निम्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, तो ये कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं, ये ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। इसमें एक धारिता जोड़ी गई है, एक संधारित्र 1 माइक्रोफेरेड है, फिर उसके बाद इसमें भी एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफेरेड है, कितनी है 2 माइक्रोफेरेड। फिर इसको एक पॉइंट से जोड़ दिए गए हैं, ठीक। इस पॉइंट पे जोड़ने के बाद क्या कर दिया गया, एक और जोड़ दिए गए हैं, ये कितनी है 3 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट बना दिए बी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए और बी के बीच की क्या पूछा है, तुल्य धारिता पूछा है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, तुल्य धारिता पूछा है। तो चलिए ए यहाँ बना लेते हैं, यहाँ ए है तो ए और बी के बीच का क्या पूछा है तुल्य धारिता, तो इसका नामकरण लिख देते हैं, एक C1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा C2, एक का नाम रखते हैं, ये C1 हो गए, ये C2, ये क्या हो गए C3। तो आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जो C1 और C2 है उनके जो अलग अलग दो सिराए थे वो किसी एक पॉइंट से जुड़ा है, तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो लिखेंगे चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, समांतर क्रम का फॉर्मूला C = C1 + क्या होता है C2। C1 कितने हैं 1 माइक्रोफेरेड है, C2 कितना है 2 माइक्रोफेरेड, प्लस कर दिए कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड, ये किसका आया C का आया है। प्यारे बच्चों जो ये C है और जो ये C3 बचा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो एक वायर हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम। तो लिखेंगे C व C3 श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब धारिता क्या हो जाएगी C' बराबर क्या हो जाएगी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम का 1/C' बराबर 1/C + 1/C3। 1/C का मान कितना है 3 और C3 का मान कितना है प्यारे बच्चों 1/3। तो हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे 2/3 आ जाएंगे 1/C'। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और हल करोगे तो C' बराबर कितना आ जाएगा 3/2 माइक्रोफेरेड। ये आपको तुल्य धारिता आ गई। क्या आ गई प्यारे बच्चों, तुल्य धारिता। ये भी 2009 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। चलिए प्यारे बच्चों अब 2015 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी 2015 के हैं और इसी कॉम्बिनेशन पे ही सवाल दिए गए हैं। चलिए अब की जो सवाल है वो 2015 में पूछा गया है, तो आइए 2015 के सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है, जो डायग्राम बनाए गए हैं, सर्वप्रथम आप वो डायग्राम बना लीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार है। आगे की क्या है भैया, ये है एक संधारित्र यहाँ जुड़ा है जिसकी धारिता कितनी है 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक। अब और उसी प्रकार एक यहाँ पर इस सिरे को यहाँ पर ला दिए हैं, फिर आगे क्या कर दिए हैं इस पे क्या कर दिए हैं एक बिकर्ण जोड़ दिए हैं, इस पे भी एक धारिता संधारित एक संधारित नहीं इस पे 2 संधारित जोड़ा गया है, ठीक, और इसको ला दिए हैं इस प्रकार, ठीक। प्यारे बच्चों आगे क्या कर रहे हैं, इसी परिपथ को जो है यहाँ पर और एक संधारित इसमें जोड़ दिए हैं और इनको आगे परिपथ को क्या कर दिए हैं पूर्ण कर दिए हैं और इसको आगे की तरफ बढ़ा दिए, यहाँ पर क्या हो गया बी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया ए हो गया,
ये किस सत्र में पूछा गया है, 2015 में, 1 माइक्रोफैरड। और सबके जो धारिता है, जो आपके धारिता है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, और ये भी क्या है, 1 माइक्रोफैरड है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या पूछ रहा है आपसे जानते हैं, ये आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच का जो है तुल्य धारिता ज्ञात करना है। क्या पूछा है, ए और बी के बीच का तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं ए और बी के बीच का तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपके परिपथ बनाए गए हैं, इनको हम लोग अपने रूप में तोड़ लेते हैं तो खुद पता चल जाएगा कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। तो आइए सबसे पहले अगर हमने देखा तो ये देखिए, ये एक लाइन में, एक वायर में जुड़े हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये एक संधारित्र जुड़ गया, इसका नाम हो गया 1 माइक्रोफैरड। फिर ये जो दूसरा वायर है वो भी एक वायर में जुड़े हैं, तो इनमें 2 संधारित्र जुड़े हैं, एक ऐसे हैं और एक ऐसे हैं, ठीक प्यारे बच्चों। और ये जो तीसरा वायर है उसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, तो इसमें भी एक है और ये हो गए। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो तीनों वायर हैं वो क्या है, एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो अगर हम लोग इनको एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं तो ये इस प्रकार का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस प्रकार का। अब आप देखिए, ये आप लोगों के लिए एकदम ईजी हो गया, आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं, आइए साथ में सब लोग लगाएंगे। तो ये हो गया ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब ए और बी के बीच का क्या ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करना है, 2015 के सत्र में पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखिए, इनका नाम आप C1 रख दीजिए, इनका नाम C2, इनका नाम C3, इनका नाम C4। तो सबसे पहले बीच वाले वायर को पकड़ते हैं, C2 और C3 किस कॉम्बिनेशन में है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले हम उन दोनों को हल करते हैं, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि C2 व C3 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट। तुल्य धारिता तो श्रेणी क्रम का आप जानते हैं क्या होता है, श्रेणी क्रम का होता है 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C2 प्लस 1/C3। तो चलिए 1/C2, तो C2 का भी मान एक, इसका भी मान एक, तो एक एक जोड़ दिए, क्या आ गया, 1/C बराबर 2/1। आप हल करोगे तो यहाँ से C का मान क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, तो जो C का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 माइक्रोफैरड। तो अब देखिए, जो ये पूरा तुल्य, ये जो C आ गए, इन दोनों को जोड़ दिए, क्या आ गया C, तो ये C, ये C1 और C4, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, समांतर श्रेणी में हो गए, किस श्रेणी में हो गए, समांतर श्रेणी में। तो लिखेंगे, चूँकि C1 व C4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता हो जाएगी C' बराबर C प्लस C1 प्लस C4। तो चलिए, C का मान कितना है, 1/2 है, और C1 का भी मान कितना है, 1 है, और इसका भी मान 1 है, 1/2 कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो 2 1 कैल्शियम 2 आएंगे, 2 1 के 2 एक, 1 2 2 तो हाँ 2, वहाँ 2, 2 2 4 1 5/2, ये आ गए C' का मान, ये आए माइक्रोफैरड। इसका आंसर मैच करा लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके जो बुक का आंसर आया है वो 5/2 माइक्रोफैरड या 2.5 माइक्रोफैरड। तो ये दो 2015 के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो इस प्रकार हल किए जाते हैं। आगे देखते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट, अब आपके आगे के जो सवाल हैं वो क्या कह रहा है, 2016 और 9 में पूछा गया है ये सवाल, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, और इसी सवाल के साथ आज की क्लास को हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अगर आप लोगों को क्लास, ये जो न्यूमेरिकल की क्लास पढ़ाई जा रही है, बोर्ड के क्लास में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, बोर्ड के पेपर में जितने न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, अगर उनका सोल्यूशन चाहिए तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए, और शेयर के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर जो बोर्ड पेपर में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनका आप समाधान कराइए, तो हम लिस्ट बना के उनका समाधान करा सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो देखते हैं आपके इस
सेशन के लास्ट सवाल को, लास्ट क्वेश्चन को तो एक बार फिर से देखते हैं। अगर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। चलिए लास्ट सवाल है, 60 माइक्रोफेरड क्या है प्यारे बच्चों? 60 माइक्रोफेरड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर, तो 60 माइक्रोफेरड धारिता वाले, तो C का मान दिया है 60 माइक्रोफेरड। तो सबसे पहले माइक्रो को फेरड में, तो 10^-6 फेरड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10^-6 फेरड। ये 2016 और 9 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक प्लेट पर 3×10^-8 कूलम आवेश है, तो Q बराबर 3×10^-8 कूलम आवेश है। लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? आपसे पूछा है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी। तो अभी इससे पिछले वाले, इसी क्लास के पिछली हेडिंग में आपने संधारित्र में संचित ऊर्जा पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था? संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होता है? U=½Q²/C। तो स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू लगा देंगे। चलिए 1/2 Q, तो Q की वैल्यू कितनी है? 3×10^-8 का स्क्वायर। C कितना है? 60×10^-6। तो इसको हल करते हैं, 1/2, 3×2 करेंगे, 3×3=9, इनका होल स्क्वायर करेंगे तो 10^-16 / 60, यहाँ आ गए 10^-6। ये इतने कैंसिल हो जाएंगे तो 6 कैंसिल होगा, यहाँ 10 बचेगा, ध्यान से समझिएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ कितना बचा है? 60 × 2 कितने हो गए? 120 कितने हो गए? 60 × 120, 9/120। वहाँ ऊपर कितना बचा है? 10^-10 बचा है। कितना बचा है? 10^-10 क्या बचा है? 10 बचा है। तो अब आप इसको भाग दे देंगे, तो इसको भाग देने पर आपके जो आंसर आ जाएंगे प्यारे बच्चों, तो इसको भाग देने पर आपके आंसर आएंगे 7.5×10^-12 जूल। 7.5×10^-12 जूल की जो ऊर्जा होगी वो संचित होगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों आई होप कि वीडियो आपका जो आज का जो क्लास है वो आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ इस आज की क्लास को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।